हेलो गाइज, राम राम सभी को। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। बाकी इतने दिनों से भाई दिख रहा नहीं तुम्हारा भाई, और आई एम सॉरी दिनों से नहीं दिख रहा हूँ मैं, बिकॉज गाइज इंस्टाग्राम पे कोई मिल गए थे हमें, ठीक है। बाकी आज का सीन ऐसा है, साड़े को डिलीट मार दिया, उसके बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत बिजी हो रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आज का सीन कुछ ऐसा, ओ भाई करियर सेट करना है गाइस पहले, उसके बाद सब ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और अब भी जा रहे हैं हम भागवत देखने, और आज से भाई ब्लॉगिंग पर पूरा पूरा फोकस रहेगा अपना, ठीक है। कल चलो, आज बढ़िया बढ़िया बातें बोली जा रही है, पहले दिखा के लाता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि जो हमारा प्रेम है ना, वो तुमसे अटूट प्रेम है। कन्हैया ने गोपियों को सांत्वना दी है, गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना तुम्हारे हम बिना हम जी नहीं सकते। अरे कन्हैया, तुमसे हमने प्रेम किया है, अगर तुम हमको ऐसे छोड़ करके चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे। अरे कन्हैया, अगर तुम मथुरा के लिए जा रहे हो तो हमको भी अपने साथ ले चलोगे, क्योंकि ये हमारे प्राण है ना कन्हैया, तो तुम्हें बसे हुए हैं। तो गोपियां विलाप कर रही हैं। अरे कन्हैया, हमको विश्वास नहीं होता कि तुम मथुरा से लौट करके वापस आ जाओगे। अरे कन्हैया, हमको अपने साथ ले चलोगे। कन्हैया ने कहा, गोपिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी वापस आ जाऊंगा मथुरा से, तुम रो मत गोपियो, मुझे मथुरा के लिए तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे ही सामने मजबूरी है। पर मैं तुमको वचन दे करके जाता हूँ कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। कन्हैया ने गोपियों की सांत्वना दी है, गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा। और तो जैसे ही अक्रूर जी ने रथ को चलाना चालू किया, गोपियों की निगाह तब तक कन्हैया के रथ पर रही जब तक उस रथ के पहियों की धूल उड़ती रही। गोपियां अपने दोनों नेत्रों से कन्हैया के रथ को निहारती रही, गोपियां विलाप कर रही हैं। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, क्या करें तुम्हारी याद आती है, क्या करें तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। जब मथुरा के नजदीक पहुंचे तो एक मथुरा से पहले एक बगीचा था। कन्हैया राव बलराम ने कहा, अरे अक्रूर जी देखियो,
हमको यहीं पर आप छोड़ दो। अब इस बगीचे से हम अब पैदल पैदल प्रस्थान करेंगे मथुरा के लिए। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु पहले आप मेरे घर चलिए, उसके बाद में मथुरा के लिए आना। कन्हैया ने कहा, नहीं अक्रूर जी, पहले हम अपना कार्य पूर्ण कर ले, उसके बाद में आपके यहाँ जरूर आएंगे। और तो अक्रूर जी ने कन्हैया और बलराम को उस बगीचे में छोड़ दिया। सुबह प्रातः काल होते ही कन्हैया और बलराम अपने ग्वाल वालों के साथ मथुरा में प्रवेश कर गए। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया तो उनको एक ध्रुवी दिखा, जो कि महाराज कंस के कपड़ों को धोया करता था। मेरे कन्हैया ने कहा, भैया धोबी, तो भैया जरा मुझको इन वस्त्रों को दे दो, बड़े सुंदर वस्त्र लगते हैं ये मुझको, जरा मैं भी पहन लूं इन वस्त्रों को। धोबी ने कहा, क्या आप जानते हो ये महाराज कंस के वस्त्र हैं? तुम में और कंस में कितना अंतर है, तुम कहां एक संसार के जीव और कहां वो राजा महाराज कंस, वो मथुरा के राजा हैं। तुम इन वस्त्रों के योग्य नहीं हो। और तो जब कन्हैया से उस धोबी ने इतना कहा तो मेरे कन्हैया को क्रोध आ गया। मेरे कन्हैया ने उस धोबी के माथे पर ऐसा एक घूंसा मारा कि उस धोबी का प्राणांत कर दिया। बोलिए, धोबी मरदन भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। पर ठाकुर जी कहते हैं, जो व्यक्ति मुझसे द्वेष करता है वो मेरी माया से बच नहीं सकता। फिर ठाकुर जी ने उस धोबी का प्राणांत कर दिया। और जो वो महाराज कंस के वस्त्र थे उनको मेरे कन्हैया ने पहन लिया। सभी ग्वाल वाल बोले, अरे कन्हैया, हमें तो ऐसा लगे कि तू हमें ना यहाँ से पिटवाए की ले जावेगो, क्योंकि धोबी ने वस्त्र की नाई कर दी तो तू मारने की कहा जरूरत थी, जो तेरे धोबी को प्राणांत कर दिया। हमें तो ऐसा लगे जैसे तू यहाँ से मथुरा से हमें पिटवाई करके ले जावे। वो हम आए तो यहाँ पर धनुष यज्ञ का महोत्सव देखने के लिए, परंतु हमको तो ऐसा लगे कि तू यहाँ से हमें पिटवाई की ले जावे। वो कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालो, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको यहाँ से पिटवा करके नहीं ले जाऊंगा। और तो मथुरा में थोड़ा कन्हैया और आगे चले तो उनको एक दर्जी दिखा। उस दर्जी से अपने वस्त्रों को सिलवाया। उस दर्जी ने मेरे कन्हैया के और सभी ग्वाल वालों के वस्त्रों को ठीक कर दिया। मेरे कन्हैया ने उस जो दर्जी था उस पर भी कृपा की। मेरे कन्हैया कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उस पर कृपा करता हूँ, जो मुझसे द्वेष करता है मैं उसको सहज तरीके से छोड़ता नहीं हूँ। ये दर्जी है, इसके अंदर भाव है, इसने मेरे वस्त्रों को सिला है, इसलिए मुझे इसका कल्याण कर देना चाहिए। तो एक कुबजा नाम की स्त्री मिली, जो कि पूरा शरीर उसका टेढ़ा मेढ़ा था, नीचे से ऊपर तक पूरी टेढ़ी मेढ़ी। और तो उस कुब्जा नाम की स्त्री से ठाकुर जी ने कहा, अरे देवी, अरे सुंदरी, जरा मेरे चंदन लगा दो। तो ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया, क्या तू हमको पिटवाएगा होगा यहाँ पर, जो टेढ़ी मेढ़ी है बाकी तू सुंदरी बोले। अगर कोई व्यक्ति अपाहिज हो और उसको आप सुंदर बोलो या सुंदरी बोलो, क्या उसको गुस्सा नहीं आएगी? गुस्सा तो आएगी। ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया, हमको तो ऐसा लगे जैसे अब के तो तू यहाँ से हमें पिटवाई के लिए ले जावेगो,
जो टेढ़ी मेढ़ी ये स्त्री है इससे तू सुंदरी बोले। कन्हैया ने कहा, अरे ग्वाल वालों तुम चिंता मत करो, मेरी माया है ना वो बड़ी अपरंपार है, उसको हर कोई सहज तरीके से समझ नहीं सकता। तो महाराज कंस के चूलना चंदन लगाने जाया करती थी। मेरे ठाकुर जी ने कहा, अरे सुंदरी जरा मेरी चंदन नहीं लगाओगी? उस कुब्जा नाम की स्त्री ने मेरे ठाकुर जी के और सभी ग्वाल वालों के चंदन लगाया। मेरे ठाकुर जी ने क्या काम किया कि उस सुंदरी के पैर पर अपने चरणों को रख करके और उसकी ठुड़ी के नीचे हाथ को लगा करके उसे एकदम सीधा कर दिया। और तो सभी ग्वाल वाल देख करके अचंभे में रह गए, अरे कन्हैया ये तो टेढ़ी मेढ़ी स्त्री थी, तेरे तो उसको रूपवान बना दिया। कन्हैया ने कहा, यही तो मेरी माया है ग्वालो, जो मेरा भक्त बन करके आता है उसका मैं हमेशा कल्याण करता हूँ, जो मेरे श्री चरणों का दास बन करके रहता है मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। अब तो भगवान जैसे ही कंस के राज्य में पहुंचे वहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा था। जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने धनुष यज्ञ के आयोजन को देखा तो कंस समझ गया कि वो दुष्ट है जो मेरे राज्य में आ गया है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े दैत्य भेजे परंतु इसने सारे दैत्यों का प्राणांत कर दिया, परंतु अब तू मेरे राज्य में आ गया, अब मैं तुझको सहज तरीके से नहीं छोड़ूंगा। कंस का कुवलिया हाथी था, उस कुवलिया हाथी से कहा, एक कुवलिया हाथी तू जा और जाकर के जो बलराम और जी कृष्ण हैं ये दोनों प्राणियों का प्राणांत कर दिए। और तो जो कुंवरी हाथी था उसने कृष्ण पर आक्रमण किया, फिर कृष्ण ने उस कुंवरी हाथी की सूंड को पकड़ा और धरती में दे मार दिया, उसका प्राणांत कर लिया। फिर ठाकुर जी ने उस कुंवरी हाथी का भी प्राणांत कर दिया, उद्धार कर दिया। जो ठाकुर जी के हाथों से जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका कभी प्राणांत नहीं होता बल्कि उसकी उद्धार हो जाता है। जो मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण करते हुए अपनी आत्माओं को परमात्मा से जोड़ लेता है उसका कभी प्राणांत नहीं होता, उसका उद्धार हो जाता है। मेरे ठाकुर जी ने उस कुवलिया हाथी का भी उद्धार कर दिया। मुझे कुवलिया मर्दन भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। मेरे ठाकुर जी ने उस कुवलिया हाथी का भी उद्धार कर दिया। और तो कंस ने देखा किस दुष्ट ने मेरे इतने विशाल कुवलिया हाथी की मृत्यु कर दी, और तो कंस को और क्रोध आया। तो कंस ने कहा, हे दुष्ट मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। कुछ दान आया है पार, पहले इसे आप श्रवण करें। जय श्री राधे। 200 रुपया सुरेंद्र सिंह फौजदार। जिन दानी दाताओं ने गेहूं का दान किया है, जिन्होंने गेहूं लिखवाए हैं, वो आज शाम को सभी लोग जो है गेहूं यहाँ डाल जाए। धन्यवाद। तालियां में तालियां। भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। कंस को क्रोध आ गया। कंस ने कहा, अरे दुष्ट मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कंस के दो पहलवान थे जिनका नाम था चाणूर और मुष्टिक। उन दोनों पहलवानों से कहा, हे पहलवानों
तुम जाओ और जाकर के इन दोनों दुष्टों का अंत कर दो। और तो चारों और मुष्टिक दोनों मेरे कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए गए। और तो मेरे कृष्ण ने और बलराम ने दोनों को हाथों को पकड़ा और पकड़ करके जमीन में उठा करके दे मारा। चारों और मुष्टिक का भी फिर प्रभु ने कल्याण कर दिया। फिर ठाकुर जी कहते हैं जो मुझसे द्वेष करने के लिए आता है, जो मुझसे द्वेष करता है, मैं उसको सहज तरीके से छोड़ता नहीं हूं। इसलिए मेरे ठाकुर जी कहते हैं तुम मेरे से भाव रख ले, मैं तुझे संसार सागर से जीव का तरण कर दूंगा। चारों और मुष्टि का मेरे प्रभु जय हो, जय श्री राधे।